मंगरो मुखिया जी बैठा बैठा हमें पा बैठा रे ये बता चार पाँच दिन से काहे काम अपना होता है। मुखिया जी पतोहिया नैहरे चले गया और हमरो तबियत खराब रही एक बारे काम अपना आए। अरे मंगरू काहे पतोहिया नैहरे भेज दे गाँव भरे मन से दुख कमी है का हो अपने बोले लाल बहादुर बीमार भलू कही लेकिन इतनी जागर यहाँ तू कही गिराक मारा। हे मंगरू होश में बोले नहीं लाठिया देखा था ना। देखा बाबू लाल लाठी देखा अपने बाप का जबले मुखिया के साथ यहाँ तबले तहादुर जी की इज्जत यहाँ नहीं तो औकात ना तहादुर जी। मंगरू तू हमारे आगे औकात के बात करता जोन की तहा औकात हमारे पढ़ाई के नहीं ना जुबान संभाल के बोला नहीं तो चमड़ी न खोल ले। पर मुखिया जी दूजे ने हमारे घर की इज्जत के मजाक उड़ावा था। अब तोरे सबके इज्जत हो लाग रहे साले नीच ये बताओ कहां कब से उबी। मुखिया जी चला हम आओ तई मुखिया जी ए लौंडे हट बे तो हट हट। अरे मुखिया जी जयराम जी की जयराम। यहाँ मुखिया जी हमका लागा था तो तब से मुखिया बना बहन ने मुखिया। हाँ 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 बस ऊपर वाले के देन यहाँ। अरे हम जान दे के देन यहाँ लेकिन लागत था घर और बनोगा कहाँ ईटो गिरवा ले यहाँ। हाँ 2400 ईटा आपकी गिरवाए हम परदेश से कमाए कावा ही आपके मोह दुई तल्ला घर बनवाओ। मुखिया जी ये बाबूलाल कहाँ रहे इनका नाची न कही हम। अरे ये तो लाल बहादुर है कितना बड़ा हो गई पहले हमारे साथ खेला तो रहा जान ला एकदम। मुखिया जी क्या बताई गुल्ली डंडा खेलते ना एक टकला फोड़ दे रहे ना इतना खून निकला रहा। और एक बात और बताई एक तरह हम दोनों मिलके ना साहब बकरी बेचते रही अब मेला कर गुस्सा आया ना देखे कौन बात में ना। और बताओ मुखिया जी क्या होता है सही वैसे बच्चा तू केकरे घरे के बात तू अमन का ना चीना था ये अमन का ना चीना था लाल बहादुर। अरे हम बबलू बबलू मंगरू नाती आई मंगरू नाती है। हाँ जो तरीके कमो करा थे। हाँ ठटा पहले कहा मुखिया जी काहे भड़का था पैर नीचे रख काहे मारता मुखिया जी साले कुत्ता हरामी चार दिन से परदेश में रहता तेरे इतनी औकात की हमारे बगल आग बैठता है तेरे दादा बाबा आज तक हमारे बगल ना बैठे ते नीचे नीचे बैठ भी। अरे मुखिया जी हमका लागा था तो को ना पता है अब नया कानून बन गया का संविधान बोला थे अब जात पात भेदभाव सब खत्म अब हम तो एक बराबर हो गयी। सुन रहे बबल हुआ जूता का दाम चाहे जितना बढ़ जाए पहना जाए हमेशा पहरे में। हमका लागा था कि परदेश के हवा लाग गया कान निकाल दी। बाबूलाल तू हमका हल्के नेता का गाँव भर एक सबसे बड़ा दाता हम ही नहीं जाए की चाहे जैसे पुले में सबके दाँत एक निशान छोड़ी तो वही आती लगे दाँत कर तो आप बारात ना जा पाई। और तू तो यार मुखिया जी मारे हमारे इज्जत कैसी तैसी कह दिया देर यार रही हम करे देर यार रही लाल बहादुर चप्पल उठाओ तो मारेगा दोनों मिले लांजे बस कर ना मर जे। देखा पूरा कपड़ा गंदा करा दिया हमारे तीन आना खरीदे रहे भाई एक बराती जाए खातिर चल भाग यहां साले नीचे बाबूलाल चला एक बाल्टी पानी भरा तो नहा एक परे अब साला छुई दीस। लावा है बीड़ी पीली हिया की देखे हमका ये मंगरुआ सारा ही किसी बताई करे मंगरो ते अंधराई गा देखा देखा ना हमारे ऊपर घास बहुत है ते गलती हो गई छोटे मालिक अब दोबारा गलती ना होए ते साले नीच आज का घास बहुत कल का कुछ भी कह सका थी ना है छोटे मालिक ये क्या बोलता अब देख के बहाबे पूरा दिमाग खराब कर दी साला। छोटे मालिक बीड़ी ना पिया करा सेहत खराब होते अगर मुखिया जी जान है तो सोचा उनके ऊपर का बीते अब ते साले हमका समझो भी का करे का ना करे का ते मां बाप बन भी पता नहीं कितने दिन बाद दादा लगे जाते दादा हमका देखिए खुश हो जाये हम तो दादा के सने गले लगा ले ई किया दादा को मारता हमरे अब कौन गलती हुई के मालिक हम सिर्फ समझौते ट्रेन की बीड़ी न पिया करा साले समझाओ कर अपने घरे ज्ञान दिया कर अपने घरे यहाँ वहाँ सिर्फ काम करे काम पर ध्यान दे ठीक 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 छोटे मालिक। दादा
अरे बबलू, अरे दादा, अरे दादा तू कितना दूर आ गया, तो कितना साल हो गया देखे। और हाँ अब है ना हुआ देखिन मारिश तो का ना मुखे बेटो ना है बेटवा मारे और ना बहुत सज्जन दिला। झूठ ना बोला दादा, तोरे माटी वटी लागे देखा मारे है। ना है बेटो मारे ना, हम घास छिलत रहा हो ऐसे पहाड़ तो माटी लाग गए। दादा झूठ बोलता तो मारे है वो। मारिन बोल का कर भी साले नाली कीड़ा। दादा तो कई मारे से तू हमसे झूठ बोलता है। अब बबलू जा दे चला, अब बबलू जा दे छोड़ा। आज से काम ना करेगा तोरे खिया। और दादा आज से काम करे जान ले हमारा मरा मुंह देख बा तू। बबलू चला यहां से। ए रुक बे। हां बोल। अरे जाए तो छोट मालिक है। कौन मालिक है, कौन मालिक है, ये सब समाज में कलंक है साले। साले नीच कुत्ता हमें हमका कलंक बोल भी कलंक बोल भी हमको। हां तू कलंक कलंक बोल भी हमको। दादा हमार मूड खराब होता मार दे बाप। ना बबलू हमार कसम ये हाथ ना उठा, छोटे मालिक छोड़ दे हाथ पे मंगो। दादा दादा मार भी हमरे कलंक बोल भी बबलू जौन तू गलती कह दी है, देखा है के का परिणाम होता है। देखा जाए दादा जौन हो लेकिन जान ला हमारी गलती ना रही। हाँ ठीक है तो गलती ना रही लेकिन मुखिया के लड़के। मुखिया जी करे मंगरुआ एक ऐसा का खवा दिया के करे अंदर बड़ी गर्मी है। देखा मालिक हमारे नाती कोनो गलती ना रही, सब गलती छोटे मालिक के रही। ये जरूरी ना ना मंगरू की गलती कह के रही, जरूरी ये है कि बेटवा के रहन मुखिया जी के। अरे तो मुखिया जी के बेटवा है लाल बहादुर, तो हमारे दादा का ढकेले हमारे दादा का लाते ला मारे हूँ। जाए दे बबलू। अबे साले नाली कीड़ा छोटे मालिक मारिन दे तोरे दादा का तो आशीर्वाद समझ के भूल जा। अरे ऐसा कैसे भूल जाये लाल बहादुर। अरे दादा का देखा था कैसे बोलता है, अपने सब इनके सबके कमाई खाता ही, इज्जत सबका प्यारी होता है। हमारे जीते जी तोरे इज्जत पे आँच ना आवे देव। और तू सुन ले लाल बहादुर। वाह वाह वाह, चार दिन से सहार मर रही के सारी रंग चढ़ गया, अपने आप का शेर समझता तू। शेर ना समझता मुखिया जी, एक सहार के हवा भरी है। कहा तो निकाल दी ना बाबूलाल, पीछे हुआ बिना मुखिया के आदेश के अपने सब कुछ ना करी। झाड़ू करे ना जात होगा बबलू। अब दादा उन्हें तो कहा था कुछ ना करी। हाँ ना जाये मुखिया जी, बताओ इनका बिना तोरे आदेश के झाड़ू पिए जाये, मुँह तो जाये, खाए जाये, मेहनत मिले जाये, पानी पिए जाये, घूमे जाये और कुछ कर जाये। लाल बहादुर मुखिया जी माफ कर दो मुखिया जी, गलती हो गया मालिक माफ कर दे, अब गलती ना हो दोबारा। जोड़ ले बबलू हाथ। हम ना जोड़ा मालिक, गलती माफी ना मिला मंगरू, गलती सजा मिला था। तू का सजा देवा मुखिया जी, भगवान दुई हाथ दुई पैर हम दे आए शब्बास मंगरू। गलती होगी मालिक, और सीन हम जिगरा दे आए, नीची जात के बेशक से ही लड़ा दे जैसे लड़ाओ हुए शब्बास नाती शब्बास मंगरू। धत्ता है नानी जवान करी मंगरू मंगरू, अब क्या करे मंगरू, अब नाती मात जोश में आया तो लड़ा दे जैसी मन का है। ये बात यह है, ये बता रहे थे कैसे लड़ भी लाल बहादुर। मुखिया जी हमारा पेट पीराता है, जान ले नाम खुद ही लड़ी एक लड़वा दे तू। ना ओसे ना लड़ा हम, वो टकला कमजोर है तो उसे लड़ा हम। अच्छा ये बात क्या है, ते हमसे लड़ दे मुखिया जी, लाठी पकड़ा था ये साला हमसे लड़े। अब कैसे लड़ू बा, अब केहू न लड़े, लड़ा हम बाबू लाले का लाठी दा, हमारा छाता पकड़ा दूर हटा। अरे नाती दादा बाबूलाल क्या करत रहे। मुखिया जी बिना तोरे आदेश के हम कुछ ना कह सके। पकड़ा फोन मिलाओ कल पंचायत हुए।
पाने जाना था, का बात यार भरे लंका का पता काहे बोला यहां तो भाई लगा होता है तो जाना था बलविंदर हो ऐसे ही तो कहता महाराज महाराज शुरू करा महाराज शुरू करे हां तो मंगरू और बबलू तू दोनों दोनों मुखिया से लड़ाई की बहुत गलत करे यार ये पूरे गांव के मुखिया हैं इन्हीं की वजह से ना पूरे गांव का चूल्हा जलत बाटे इन्हीं के खेते का अनाज पूरे गांव वाले खाता है देखा पंचायत अनाज देके कोनो एहसान ना कर देता हमरे सबके ऊपर वो सब खेत हमारे दादा बाबा के आए मुखिया जी 3 रुपया हमारे दादा से खेत गिरो ले रहे आज हम वही खेते के 6 रुपया दिए तैयार रही लेकिन हमें सब नीची जात के हमका सबका धमका धमका रखा थे और 15 रुपया मांगा थे वो खेते के बताओ 5-5 गुना के वो ब्याज लेता है पूछ ले अगर हम झूठ बोलते इनके मुहेब कहते हैं चोपरे बबलुआ देखा पंचो पुरानी बात लेके ना आई पंचायत करे हमारे साथ एक काबा एक फैसला करा सही है भाई देख रहे बबलुआ पुराने बात का फैसला ना हो हाँ मुखिया जी बताओ कौन बात रही बात तो बहुत बड़ी है पंचो ये बबलुआ नाली कीड़ा ये हमारे बेटों को मारी अरे तू तुम्हारी से अरे पंचायत में हमारा बेचती न कराओ पंच 1 पक्ष के बात सुन के फैसला ना करते दोनों पक्ष के बात सुनो और बात फैसला करा हाँ तो बबलू और मंगरू तू कुछ कहा क्या है ना पंचायत हमका कुछ ना कहा हमका कहा पंचो इनके बेटो हमारे दादा का मारिस है तो हम इनके बेटो को मारिन और साथ साथ नहुक मारिन लाठी लाए बस इतना कहा कहो मुखिया तू को मारिस है सही बात है पंचो ये मारिस हमारे मुखिया जी का लाठी लाठी मुखिया जी बेइज्जती मारा ना बताओ चाहता है इनके पिछवाड़ा में लाठी छपिया पूरी पूरी दुई लाठी कटोरा लेके हरदी लगाओ एकदम पूरा पूरा रवाजा रहे बस इतना कहा गया इनका बस करा दे बेइज्जती जो थोड़ा बहुत बची रही सही है पंचो ये हमोक मारी से बताओ का किन जाए हम कुछ ना बता पाओ भैया बताओ तू का किन जाए अरे मुखिया जी बेटो मारी सही करी लेकिन मुखिया जी मार दी नीच जाते के एकदम गलत करी एका गांव बाहर करा ए राम बाबा गलत सही है गलत बात बोला हम ई चाहते हैं कि इन पांच मुखिया की तरफ जात चाहिए अरे ठीक है लेकिन नीच जात का गांव से बाहर निकाला ही कोनो फैसला ना अरे लड़का है नादानी कह रही बस ये फैसला जात बा मुखिया जी के पक्ष में बताओ मुखिया जी का चाहता तू हम ही चाहते ही ई बबलुआ भरे पंचायत में हमारा गोद चूम के माफी मांगे अरे चला नाती हमारे प्रदेश में रह के आओ कहू गोड़ो ना चूमे पंचायत को और फैसला कह दी हाँ तो ठीक है मगरू तो तू मुखिया जी के पैर चूम के माफी मांग ला सही है बिल्कुल एक नंबर नहीं पंचायत हमारे दादा के पैर ना चूमी है हम मुखिया जी के पैर चूमे खाती तैयार है ना नाती तू नहीं दादा तू इनके सबके तानाशाही बहुत दिन से सहाता अरे नाती तू ना समझता सब समझते ही लेकिन हमारा एक शर्त ही है पंचायत कि मुखिया जी जो हमारा खेत ले आए वो कहे हम 2 गुना ब्याज दिए तैयार रही लेकिन हमारा खेत वापस कराए ठीक है पंचो ई बबलुआ गोड़ चूम के हमारा माफी मांगे हमें का खेत देख तैयार रही तो चला आज के फैसला होएगा ये पंचायत खत्म होत बा चला भैया हमका धान भी हो जाए मुखिया जी एक आध दिन बबलुआ मगरुआ को मारब खाली मुर्गा दारू खाओ पियो बस चुप रे यंद गंद के नाम न ले कहो मुखिया आओ बैठा तो समाज में बहुत बदनामी हो गया है उस साला बबलुआ नीच जात के तू का मार के चला गा 15 साल के बनी बनाई इज्जत माटी में मिला दी लेकिन अब तो पंचायत के फैसला हो गया है पंचायत के फैसला बदलत रहा है तू सांप का मारा सपोला अपने आप मर जाए बस चला हमारे खेत हमको वापस मिल गया अब हम अपने खेत में जोता बो कहू गुलामी ना करे का लाओ हमक जोन घास फूता उचार दे खेत सारी घास साफ कर डरा था मंगरू हाँ हाँ मुखिया जी साफ कर डालते ही सोचा मंगरू भरी पंचायत में जेके बेचती हो जाते ओकरे ऊपर का बीता थे अब छोड़ा मुखिया जी जौन हो गया भूल जाओ का भूल जा मंगरू भूल जा लेकिन दिला गवाही ना दे भूले का लाल बहादुर बाबूलाल बाबूलाल ना मारा अरे
दादा, हे दादा, कहाँ हो दादा? दादा के मारिस होगा? मुखिया जी मारे, मुखिया, मुखिया, बबलू, अरे बबलू रुक जा, बबलू। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट देखो जरूर करना। कमेंट पढ़ता हूँ आप सभी लोगों के, कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं बॉजी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, कमेंट जरूर करना।